छह राज्यों की सभी सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी कुल चार सीटें जीत चुकी है, वहीं आरजेडी को एक, उद्धव गुट वाली शिवसेना को एक सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा तेलंगाना में भी टीआरएस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने यूपी की गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा की आदमपुर, बिहार की गोपालगंज और ओडिशा की धामपुर सीट पर कमल खिलाया है। आरजेडी ने बिहार की मोकामा सीट पर लालटेन जलाया है, जबकि महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव गुट की ऋतुजा लटके को जीत मिली है। वहीं तेलंगाना की मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर केसीआर की पार्टी टीआरएस ने बीजेपी को हरा दिया है। चलिए हर सीट का हाल विस्तार से बताते हैं। मोकामा सीट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को जीत मिली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सोनम देवी को 16,741 वोटों से हरा दिया। नीलम देवी को कुल 89,744 वोट मिले, जबकि उनकी नजदीकी प्रतिद्वंदी सोनम देवी को 63,003 वोट मिले। गोपालगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 1,794 वोटों के अंतर से हरा दिया। बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 67,259 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी के अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को एक तरफा 34,298 वोटों से हरा दिया। अमन गिरी को कुल 1,24,810 वोट मिले, जबकि सपा के विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट वाली शिवसेना की ऋतुजा लटके ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऋतुजा लटके ने निर्दलीय उम्मीदवार राजेश त्रिपाठी को 64,959 वोटों से हरा दिया। ऋतुजा लटके को 66,530 वोट मिले, जबकि राजेश त्रिपाठी को 1,571 वोट मिले। हैरानी वाली बात यह है कि 12,806 लोगों ने नोटा को दबाया। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 15,740 वोटों से हरा दिया। ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को हराकर सीट बरकरार रखी है। बीजेपी विधायक सूर्यवंशी सुराज ने बीजेटी विधायक अंबत्ती दास को 9,881 वोटों से हरा दिया। सूर्यवंशी सुराज को कुल 80,351 वोट मिले, जबकि अंबत्ती दास को 70,470 वोट मिले। तेलंगाना की मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर टीआरएस ने बीजेपी को हरा दिया है। टीआरएस उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से हराया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,